दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली के जबरदस्त फैन हैं तो वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। आपको बता दें ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में चौथा टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया है। हालांकि इस बीच टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर सामने आई है। भारतीय टीम आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में पहुंच गई है, वो भी बिना मैच जीते। बताएंगे आपको कैसे क्या हुआ, कैसे भारत पहुंचा WTC के फाइनल में इसी वीडियो में। इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दरअसल क्राइस्टचर्च में चल रहे न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच टेस्ट मैच में श्रीलंका पर न्यूजीलैंड की रोमांचक जीत ने टीम इंडिया को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचा दिया है। न्यूजीलैंड ने इस टेस्ट में श्रीलंका को आखिरी बॉल पर 2 विकेट से हरा दिया है। ऐसे में अंकों के आधार पर टीम इंडिया फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई है। इस मैच में अगर श्रीलंका को जीत मिलती तो भारत के लिए अहमदाबाद टेस्ट जीतना हर हाल में जरूरी होता। बहरहाल अब भारतीय क्रिकेट फैंस को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में एक बार फिर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा। भारत के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का तीसरा टेस्ट जीतकर ऑस्ट्रेलिया पहले ही WTC के फाइनल में स्थान पक्का कर चुकी है। आपको बता दें ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल इंग्लैंड में द ओवल मैदान पर 7 जून से खेला जाएगा। आपको बता दें भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा मुकाबला ड्रॉ हो गया। ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग में 480 रन बनाए थे, जवाब में भारत ने 571 रन बना के ऑस्ट्रेलिया को 91 रन की लीड दी थी। और आखिर पांचवें दिन ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट के नुकसान पर 175 रन बना लिए और मैच खत्म होने के कुछ समय रहते दोनों कप्तान के सहमति से मैच बिना नतीजे के ड्रॉ करा दिया गया और भारत ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी लगातार चौथी बार अपने नाम की। भारत ने 4 मैच की टेस्ट सीरीज को 2-1 से अपने नाम किया। वही 186 रन की शानदार शतकीय पारी के लिए विराट कोहली को मैन ऑफ द मैच से सम्मानित किया गया। वही रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन को मैन ऑफ द सीरीज से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।